मार्जिन है ऑलरेडी 23 से 24% हमें मिलता है, जो कि हम 20% मार्केट में काट रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, जैसे अब ये पत्ता है, इस पे MRP आप देख सकते हैं 47.50 रुपए है। ये एक्चुअल हम 10 रुपए में बेचते हैं, 6-7 रुपए का ये पत्ता हमें आता है। तो दुकानदार क्या करता है, 47 पे भी 20 काट देगा तो 40 रुपए का होगा, तो ऑलरेडी वो 50% मार्जिन ले चुका है। तो कंपनीज अब ऐसे कैसे करते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर है 305 रुपए प्रिंट है, ये हम 305 रुपए छपा हुआ है, आप लीगली 305 में बेच सकते हैं। हम 305 ही बेच सकते हैं, 306 में नहीं बेच सकते, 304 में बेच सकते हैं, पर ऑलरेडी अगर हम इसको 70 में भी बेचे तो हमारा 50% प्रॉफिट है, यानी 35 रुपए का आता है, 35 और 40 के बीच में पड़ता है, तो 70 रुपए में भी हम बेचे तो 50% प्रॉफिट है। 35 रुपए की कॉस्टिंग है, देखिए 35 रुपए की कॉस्टिंग है इस प्रोटीन के डब्बे की, और उससे लगभग 8 गुना महंगा इसका रेट 305 रुपए छाप दिया गया, ताकि कोई भी दुकानदार किसी भी आम आदमी को लूट सके और मोटा प्रॉफिट कमा सके। रजत जी, यहाँ पर सवाल ये है, बहुत सारे जो दवाइयों के दुकानदार हैं उनकी नज़रों में आप भी चुभेंगे, मैं भी चुभूंगा, जबकि आम लोग इस बात की प्रेज करेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात रखी, आप ये जो इतना बड़ा खुलासा खुद कर रहे हैं कि 35 रुपए में आता है, 70 रुपए में भी बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी खरीद कर खुश है, ये इतना इतने मार्जिन के साथ जो MRP डिसाइडेड है, गवर्नमेंट को क्या लगता है आपको कि इसमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करेगी तब तक गरीब आदमी का फायदा नहीं होगा। गरीब आदमी इस टाइम पिस रहा है, इस टाइम जो हालात हैं कोरोना में, लोगों के हालात फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो गरीब आदमी हो, कि दवा तो एक रोज की हमारी जरूरत है, जिसके लिए हमें इतना मार्जिन लोगों से नहीं लेना चाहिए। और आप 10-15% प्रॉफिट 20% तक मैक्सिमम अपनी परचेज पे लें, बहुत है। अगर 35 रुपए में आप 20% लेते हैं तब भी 50 रुपए तक दें, ठीक है, हम 60-70 में दे देते हैं। कहीं पर क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, कोरोना में कुछ आइटम्स महंगी भी हुई है, कम भी हुई है, तो इसलिए हमें नहीं आया, लेकिन इतना मार्जिन 500% मार्जिन लेना गलत है। जैसे ये जो ये कंपनियां हैं सर, जब आपने बताया कि अब ये देखो 115 रुपए इस पे कंपनी ने छाप दिया, 115 रुपए छाप दिया और 20 रुपए में ये मिल जाता है, 20 रुपए में आपका मार्जिन भी है, 115 रुपए कंपनी का छापने का मकसद क्या है? कंपनी अगर चाहे तो इसका रेट 25-30 रुपए रख दे, उन्होंने 115 क्यों छापा, ये क्या नेक्सस है पूरा कंपनी के? इसी में दो, इसी जैसे ये है रेबीजोन DSR, इसमें है रेबीपरजोल, खाली पेट वाला कैप्सूल है। अब ये मान लो जैसे किसी भी कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बेसिकली इसकी कॉस्टिंग जो है 10 से 12 रुपए हमारी होती है, हम 20 रुपए में बेच देते हैं, लेकिन कुछ ही कंपनी का ऐसा है जिसमें 200 रुपए MRP और मार्जिन सिर्फ हमें 30 रुपए ही होता है, तो 180 का बिकता है, तो कंपनी को दोनों तरफ से प्रॉफिट है, बड़ा ब्रांड बेचने से भी और मतलब टर्नओवर पे खेलने के लिए जेनरिक में भी। ये कुछ दुकानदार इसको क्या करते हैं, प्रिंट पे लगा के 20% ऑफ कर देते हैं, जो आजकल कुछ मार्केट्स में चल रहा है, महावीर दल के आगे या कल्पना चावला के आगे, तो बेसिकली आपको 110 पे 20% कर देंगे, क्योंकि ये उनका मोनोपोली का प्रोडक्ट होगा, आसपास नहीं मिलेगा, आपने खाली पेट वाला या डॉक्टर ने लिखा है उन्होंने उसको रिप्लेस कर